श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों, क्लास 10 के लिए सबसे अच्छा चैप्टर लेकर आया ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो पार्ट्स बताए आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बेसिक कवर है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको ये वाला वीडियो सबसे अच्छा समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे, और ये सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे बच्चों जो हम यहाँ पर बताएंगे। हम ज्यादा इधर उधर की क्वेश्चंस नहीं बताएंगे, हम केवल वही क्वेश्चंस आपको बताएंगे जिनसे आपका बेस भी क्लियर होगा और साथ ही साथ एग्जाम में भी वो आएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 है, ट्रिग्नोमेट्री सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न पर है बच्चों। सीबीएसई के लिए सबसे अच्छा जो चैप्टर है वो यही है बच्चों, ठीक है ना, और बहुत इजी होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सवाल क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, आपसे कहा जा रहा है ट्राइंगल एबीसी जिसमें एंगल बी जो है वो राइट एंगल है। देन कह रहा है कि ए बी अगर हमारे पास 24 सेंटीमीटर हो और बी सी हमारे पास क्या हो 7 सेंटीमीटर हो, तो डिटरमाइन करना है फर्स्ट कंडीशन साइन ए कॉस सी का मान क्या होगा, सेकंड है साइन सी कॉस सी का मान क्या होगा। तो बच्चों हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देना है। ये देखिए हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है जिसमें उसका एंगल बी जो होगा बच्चों राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री पर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं आप 90 डिग्री पर है, और यहाँ पे आप ए लिख लीजिए, यहाँ पे आप सी लिख दीजिए, यहाँ पे सी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। लेकिन बी आपका हमेशा क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। तो बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है सॉल्यूशन, और उसमें जो जो गिवन है वो लिखना है बच्चों। तो हमारे पास गिवन है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है बच्चों, 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद BC हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों AB हम कहां, हमारा बेस है, बेस हमारा कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है, और BC हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन नंबर फर्स्ट का आंसर निकालेंगे जिसमें हमारा क्या लिखा हुआ है साइन ए अपॉमा कॉस ए। तो उसके लिए बच्चों हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहां से थर्ड साइड निकालना होगा। क्या निकालना होगा, थर्ड साइड आपको, क्योंकि तीनों साइड जब पता होगा बच्चों तभी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज निकाल सकते हैं, फिर चाहे साइन हो कॉस हो टेन हो कॉसिक हो सेक हो कॉट हो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू आप तभी निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले थर्ड साइड निकालने के लिए आपको इसमें यूज करना होगा, अगर ट्राइंगल राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बच्चों, यहां लिखना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होगा बच्चों, हाइपरटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। अब बच्चों ए बी की वैल्यू हमारे पास है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी 7, तो 7 का स्क्वायर। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जैसे 24 का स्क्वायर क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, ठीक है ना बच्चों, 576 यानी 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49, क्या होता है 49 होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। इनको ऐड कर दीजिए बच्चों, ऐड करेंगे तो 9 6 हो जाएगा 15, 7 4 11 1 12, 5 और 1 हो जाएगा 6। एसी का स्क्वायर 625 है बच्चों, तो स्क्वायर रूट लेंगे जब वर्गमूल लेंगे 625 का, तो कितना आएगा 25 आएगा यानी 25 आएगा बच्चों। एसी हमारी थर्ड साइड है और ये हाइपोटेन्यूज है यानी कर्ण है, तो ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। हमें तीनों साइड पता हो गए बच्चों, अब हम आराम से हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए का, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है ये ध्यान रखना है, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, और इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे साइन ए क्या हो जाएगा, पंडित से पी आ गया बच्चों, परपेंडिकुलर, ठीक है, और याद रखना है बच्चों नीचे आता हर हर यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनिस, तो परपेंडिकुलर पी हो गया, हाइपरटेनिस एच हो गया बच्चों। तो यहाँ पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब बीसी, बीसी हमारे पास कितना है 7, और हाइपरटेनिस कितना है बच्चों 25 है, तो हमारा साइन ए कितना हो गया 7/25। इसी तरह से बच्चों हमें कॉस ए निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे,
आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन कॉसिक से कॉट डिवाइड कर दीजिएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कॉस से क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण यानी बेस बटे बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा आधार है हमारा 24, आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे आधार बटे कर्ण लिखेंगे, ठीक है। तो 24/25, तो ये हमारे साइन और कॉस हो गए बच्चों। अब हमें सेकेंड वाली कंडीशन निकालनी है, क्या निकालना है आपको, साइन सी और कॉस सी निकालना है। ये भी समझिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिए अभी आपका क्या था कि जैसे यहाँ पे कोई एंगल राइट एंगल अगर है तो उसके सामने वाला हमेशा कोण होता है यानी कि हाइपोटेनस होता है। अब आपसे क्या करवा रहा है बच्चों, अब आप देखिए अब आपसे बोल रहा है साइन सी कॉस सी, अब एंगल सी तो यहाँ पे है तो इसका मतलब अब आपके इसके सामने जो होगा जो एंगल आपसे मतलब आपको समझना होगा बच्चों, जैसे हमसे ये एंगल पूछा जा रहा था पहले वाले में तो साइन ए कॉस ए था, तो ये वाला एंगल पूछा जा रहा था इसके सामने वाला जो साइड होता है बच्चों वो राइट एंगल होता है, क्या होता है यानी कि 90 डिग्री पर होता है। तो ये ध्यान रखना है कि इस वाले एंगल के जो सामने होगा बच्चों, जैसे हमसे साइन ए कॉस से पूछा जा रहा है तो ए के सामने परपेंडिकुलर होगा, और अगर हम सी एंगल पूछा जाएगा आपसे तो सी के सामने आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ए के सामने परपेंडिकुलर बी सी और सी के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, यानी जो चीज यहां से पूछा जाएगा आपको ये तो पता ही है कि बी हमारा नहीं बदलेगा, बी हमारा राइट एंगल रहेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें दिक्कत आएगी ए और सी में, अगर ए बोलेगा तो ए के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा और सी बोलेगा तो सी के सामने परपेंडिकुलर, दे दीजिए आप आराम से सवाल को लगा सकते हैं। इसके लिए हम एक फिगर अलग से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके बच्चों। तो देखिए सी आपको बोला गया तो मान लीजिए सी आप यहाँ पे कर लीजिए, ए को यहाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये बी तो फिक्स है ना, ये आपका क्या है फिक्स है, और देखिए सी के सामने ये है क्या परपेंडिकुलर, तो है उसी फिगर को घुमा दीजिए, सी को यहाँ करिए ए को यहाँ कर दीजिए, या हम कह सकते हैं ये आपका परपेंडिकुलर हो गया सी के सामने, जैसे ए के सामने ये वाला परपेंडिकुलर था, बड़ा आसान है बच्चों यानी लंब था, तो हमसे साइन सी बोला जा रहा है तो सी वाले एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी लंब हो जाएगा। कॉस सी, सी में भी वही एंगल है, कॉस में भी वही एंगल है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब साइड लिख दीजिए बी सी हमारा, देखिए कहाँ है बी सी 7 है, तो बच्चों बी सी ये हो गया 7 सेंटीमीटर, और ए सी तो हमारा चेंज ही नहीं होगा 25 सेंटीमीटर, ए बी देखिए ए बी कहाँ है, ए बी ये है 24 सेंटीमीटर। उम्मीद आपको बहुत बेहतरीन समझ आया होगा, बी एंगल नहीं चेंज होगा बच्चों, ए और सी ही चेंज हो सकते हैं। तो ए अगर एंगल पूछा जाएगा तो उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और अगर सी एंगल पूछा जाएगा तो उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, इतनी सी बात ध्यान रख लीजिए बस। तो चलिए यहाँ पे हम बोलेंगे साइन सी कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों इस फिगर को देखकर बताइए कि परपेंडिकुलर कितना है आपका, लंब कितना है आपका 24 और हाइपोटेनस कितना है बच्चों 25। ओके अब हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है कॉस सी, तो कॉस सी कैसे निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो बेस कितना है बच्चों 7 है और हाइपोटेनस कितना है 25 है, कितना है बच्चों 25 है। तो आप देख सकते हैं ये दो आंसर हो गए, ये दो आंसर हो गए, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे बच्चों। यही फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है, सेकंड पार्ट का ये आंसर है, तो आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है ना। इसको नोट करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड 10P-4R। आपके पास बच्चों ये फिगर आपके पास रहेगा, ये फिगर आपके एग्जाम में बन के आएगा, आपसे बोला गया इन एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर को आप देखिए, इसमें जो ये फिगर है उससे हमें 10P-4R का मान बताइए कितना आएगा। 10P एंगल देखिए कितना है P, और दूसरे वाले में देखिए cot R R, इन दोनों वैल्यूज का मान हमको सब्ट्रैक्ट करके बताना है कि कितना आएगा। तो आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहेगा जिसमें क्यू हमारा क्या है राइट एंगल है, तो ये ध्यान रखना है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे आपको पता है बच्चों कि हमें कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई भी दो साइड गिवन हो तो थर्ड साइड जरूर निकालना चाहिए, तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं जैसे साइन कॉस टेन जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं उनकी वैल्यूज हम निकाल पाएंगे, ठीक है ना। उसके लिए थर्ड साइड निकालना बहुत जरूरी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाई इन ट्राइंगल जो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल भी है बच्चों ध्यान रखिएगा, राइट ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में क्या करना है, बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम ये यूज करेंगे। तो इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है बच्चों,
पी आर का स्क्वायर, क्या है ये पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस है तो कितना है क्यू आर स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है बच्चों पी क्यू स्क्वायर। अब आप पी आर देखिए कितना है 13 × 13 का स्क्वायर करिए, क्यू आर आपका पता ही नहीं है तो क्यू आर ऐसे ही रहने दीजिए, पी आर पी क्यू कितना है बच्चों 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 169, क्यू आर स्क्वायर लिखा रहेगा इसी तरह से क्यू आर स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहां से जो क्यू आर का स्क्वायर मिलेगा वो क्या मिलेगा 169 में से 144 क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस आया इधर आके माइनस हो गया। अब इसको घटा लेंगे 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में 4 जाएगा 2, यानी आ गया 25। तो ये क्यू आर स्क्वायर मिल रहा है बच्चों, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर इसका स्क्वायर ले लीजिए बच्चों, क्या ले लेंगे वर्गमूल ले लीजिए दोनों साइड का, तो 25 का स्क्वायर 5 होता है बच्चों, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का स्क्वायर 5 होता है बच्चों, तो इसपे से स्क्वायर हट जाएगा, इसपे अंडर रूट लग जाएगा, क्यू आर हमको मिल गया 5, यानी ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया। अब हम देख सकते हैं बच्चों तीनों साइड हमको पता हो गया, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 10p माइनस का cot r, बहुत आसान है बच्चों। अब जरा देखिए 10p मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, देखिए पहले तो आप ये देखिए, सॉरी पहले ये देखिए कि p एंगल है कहां, p ये है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए कि अगर P यहाँ पे है तो इसके सामने अगर Q राइट एंगल है तो P के जो सामने वाली साइड होगी बच्चों वो परपेंडिकुलर होगी यानी लंब होगी, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा cot r, r वाला देखिए एंगल सही है क्योंकि r के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो इसमें यही वाला ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ट्राइंगल आपको थोड़ा सा बदलना पड़ सकता है, बदलना पड़ेगा ठीक है, और नहीं बदलना है तो आप इसी को देख के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस 10p की हम वैल्यूज के लिए मान लीजिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10p, और आपको पता है कि 10p की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो राइट ट्राइंगल थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बच्चों। इसमें देखिए क्यू एंगल यहाँ पे है तो आप क्यू यहाँ पे राइट ही रहेगा, उसके बाद आपसे बोला कौन सा गया पी वाला, तो आप पी को यहाँ लिख लीजिए, इसका मतलब बचा क्या है केवल आर, आप यहाँ पे आर को डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए पी के सामने परपेंडिकुलर, फिगर वही है लेकिन ये तरीका चेंज कर दिया है, ठीक है, आप चाहो तो एक ही फिगर से वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस पी के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये तो हाइपोथेसिस फिक्स है, ये हमारा बेस हो जाएगा, इतना ही तो होता है। और इसी चीज को मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया, भाई पी एंगल है, मैंने पी को यहाँ लिख दिया तो इसका मतलब क्या है क्यों तो चेंज होने वाला नहीं है, आर आपका यहाँ बच गया तो यहाँ आ जाएगा, पी के सामने आप देखिए क्या हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अब पी क्यू कहाँ है भाई, पी क्यू ये है, पी क्यू साइड है कितना 12, बस साइड ये लिखिए 12 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है, क्यू से आर देखिए बच्चों, क्यू से आर 5 सेंटीमीटर है बच्चों, यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, और ये तो 13 सेंटीमीटर है पी आर, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। अब हमें 10p आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 10p कितना हो गया बच्चों, 10p आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर है 5 और बेस कितना है बच्चों 12, ये मिल गया आपको 10p मिल गया बच्चों। अब हमें निकालना है cot r, क्या निकालना है cot r, तो cot r में आपको कोई दिक्कत नहीं, cot r के लिए यही फिगर सही है क्योंकि r के सामने ये क्या है राइट एंगल है, ये आपकी राइट साइड है, मतलब आपके सामने r की जो सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, ये क्लियर है, इसमें हम फिगर चेंज नहीं करने की जरूरत है। तो cot r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot का हो जाएगा क्योंकि 10 का उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 5, ठीक है, और चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे बेस अपॉन क्या हो जाएगा अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस कितना है बच्चों 5 है, परपेंडिकुलर कितना है 12 है, बस बच्चों। अब आपको करना है क्या, वैल्यू निकालनी है 10p माइनस cot r की, तो यहां लिखिए 10p माइनस cot r, 10p की वैल्यू आपने निकाली है 5/12, ये देखिए, ये समझाने के लिए मैंने आपको इतना सब कुछ बताया, नहीं तो ये एक मिनट से भी ज्यादा सवाल नहीं लगेगा, ठीक है ना, cot r की वैल्यू कितनी है 5/12, अब इसको इससे
कैंसिल कर दीजिए, प्लस माइनस घटती कितना हो गया जीरो, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो जीरो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, गिवन 15 cot a is equal to 8, find sin a cos a। तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यूज निकालना है तो देन आपको करना क्या होगा, आपको पहले एक ट्राइंगल बनाना होगा, उस ट्राइंगल में आपको तीनों साइड पता करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास गिवन क्या है बच्चों, ये ध्यान रखना है 15, क्या लिखा है 15 cot a is equal to 8। तो यहां से cot a, ये देखिए 15 लिखा है, तो 15 cot a की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों, cot a की वैल्यू कैसे निकलेगी, 15 क्रॉस से नीचे आ जाएगा, 15 क्रॉस से कहां आ जाएगा नीचे, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cot a हमें मिल गया 8/15। अब बच्चों हमें साइन cos a सब निकालना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot किसके इक्वल होता है, यानी tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन p, ठीक है, यानी कि आधार बटे लंब। तो आपको एक राइट ट्राइंगल बना लेना है बच्चों, जिसमें आपको ये वाला जो एंगल है वो परपेंडिकुलर के लंब के सामने रखना है। तो यहाँ आप कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे आप मान लीजिए बी, और ये हो गया सी, यानी बी राइट एंगल हो गया, ये वाला एंगल यहाँ रख लीजिए, किसके सामने हो गया परपेंडिकुलर, यही चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जिसका भी एंगल यहाँ पे होगा बच्चों यहाँ रखे उसके सामने परपेंडिकुलर बना के, बी और सी में किसी को भी यहाँ सी बी रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर नहीं दिया है तो आप बी और सी में किसी को भी राइट एंगल रख सकते हो, लेकिन ये वाला एंगल आप परपेंडिकुलर के सामने ही रखेंगे, इसको राइट एंगल नहीं लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, बेस हमारा कितना है 8 है और परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15 है, तो थर्ड साइड निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम से, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस का BC स्क्वायर। तो AB कितना है बच्चों 8, तो 8 का स्क्वायर 64, BC है 15 तो 225, इसको ऐड करिए तो 98 और ये हो गया 289, ये हमारा हो गया AC स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 17, यानी जो थर्ड साइड होगी बच्चों वो 17 होगी। अब हम बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, चाहे सारे के सारे पूछ दिए जाएं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना हो, तो भी हम बच्चों क्या करेंगे, तीनों साइड पता करेंगे, देन हम आराम से कुछ ना कुछ तो गिवन होता है ना, गिवन के बाद ही आप कोई दो साइड गिवन होगा तभी तो थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, तो ऐसे कुछ गिवन जरूर रहेगा तभी आपसे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पूछेगा, ठीक है, या त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ सकता है। तो साइन ए कैसे निकलेगा, यहाँ होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप देख सकते हैं लंब कितना है 15, यानी परपेंडिकुलर 15 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। इसी तरह से अगली वैल्यू पूछी गई है कॉस ए, हम इसी तरह से टेन ए उम्मीद है और सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, है ना, ये बच्चों गिवेन है हमारे पास, देन सो दैट कि एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे इक्वल होंगे। अब अक्यूट एंगल भी बोला गया है और बाद में प्रूफ भी करवा रहा है कि दोनों इक्वल है। अब आप कहेंगे अक्यूट एंगल क्या क्या, क्या मतलब है ए और बी के, तो बच्चों एक्यूट एंगल का मतलब जिसका मान जो एंगल्स का मान 90 डिग्री से कम होता है यानी लेस देन 90 होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री तो नहीं हो सकता है, एंगल ए और एंगल बी क्या नहीं हो सकते 90 डिग्री नहीं हो सकते क्योंकि ये 90 से कम ही होने वाले हैं। फिर इनको बोला गया कि इसी को प्रूफ करिए दोनों बराबर होंगे, दोनों इक्वल भी होंगे। एक बात तो क्लियर है बच्चों, ये गिवन है, ये बोला है एक्यूट एंगल है, इसका मतलब है कि ये दोनों 90 डिग्री तो नहीं होगा। इसका अगर हमें ट्राइंगल बनाना हो तो राइट एंगल किसको लेंगे फिर हम बताइए, जब ये दोनों हमारे अक्यूट एंगल है, अक्यूट एंगल है इसका मतलब 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब ए यहां होगा और बी यहां होगा तो सी यहीं होगा, यानी सी एंगल कैसा होगा राइट एंगल होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे, अरे आपको सीधा सीधा बोला गया है कि ए और बी क्या अक्यूट एंगल है, तो ए और बी तो यहां नहीं हो सकता क्योंकि वो 90 डिग्री हो जाएगा फिर, तो ए और बी आपको यहां रखना है। जो बच गया ट्राइंगल का तीसरा एंगल कौन सा है सी, वो आपका होगा राइट एंगल। ये तो सीधा सेंस आप लगा सकते हैं ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये फिगर आपको बना लेना है, आपको पता है बच्चों गिवन क्या है, ए एंड बी आर अक्यूट एंगल्स, ए और बी क्या हमारे पास है अक्यूट एंगल्स है। तो चलिए हम पहले निकालेंगे कॉस ए की वैल्यू, ठीक है ना बच्चों। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप बताइए, एंगल ए ये है ना, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी हमारा फॉर्मूला पहले क्या होता है हमें ये बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों बेस कितना है, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपरटेनिस, तो बेस हमारा है ए सी, ठीक है, और हाइपरटेनिस हमारा क्या है ए बी है, समझ में आ गया ना। इसी तरह से बच्चों कॉस बी निकालिए, यहां पे देखिए कॉस बी भी है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी होता है बेस अपॉन हाइपरटेनिस, फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा बेस अपॉन हाइपरटेनिस, लेकिन एंगल चेंज हो गया, एंगल देखिए ये हो गया बी, तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, ये हमारा राइट मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। हमने बताया था आपको कि ये ध्यान रखना है जिस एंगल को आपसे पूछा जाता है उसके सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा आपका परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चे ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये तो आपका बेस नहीं होगा क्योंकि ये तो हाइपोटेनस ही रहेगा ना, तो परपेंडिकुलर तो ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है बेस है, तो ये ध्यान रखना है ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा या हाइपोटेनस होगा। तो कॉस बी और बी के सामने ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो हमें यहाँ परपेंडिकुलर थोड़ी लिखना, हमको यहाँ लिखना है बेस, तो ये परपेंडिकुलर है ये बेस होगा यानी बीसी हो गया, क्या हो गया बीसी हो गया यानी आधार हो गया, ठीक है। अपॉन हाइपोटेनस तो यही रहेगा, हाइपोटेनस में कोई चेंजेस नहीं है, यही रहेगा, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि बच्चों हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि कॉस ए इज इक्वल टू क्या है कॉस बी है, यानी ये चीज हमारे पास क्या है गिवन है, हम यहाँ ब्रैकेट में इस तरह से लिख देंगे बच्चों, गिवन है कि कॉस ए इज इक्वल टू क्या है कॉस बी है। तो कॉस ए की वैल्यू कितना है बच्चों ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी की वैल्यू कितनी है बी सी अपॉन ए बी, तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए सी इज इक्वल टू, क्या बचेगा ए सी इज इक्वल टू बी सी, अगर ए सी यानी ए सी कहां ये है और बी सी कहां ये है। अब बताइए अगर ए सी ये है बी सी ये है, ये दोनों साइड कैसे हो गए इक्वल हो गए, तो यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बच्चों, अगर दोनों के साइड इक्वल हैं तो एंगल्स भी क्या होंगे, अरे भाई ये वाली साइड क्या है आपस में इक्वल है, तो एंगल्स ये जो है ए और बी ये भी आपके क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लिखना पड़ेगा क्यों हो रहा है, यहां लिखना पड़ेगा कि एंगल्स अपोजिट अपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्या लिखेंगे इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ये हमने क्या लिखा है, हमने बताया है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कैसे मतलब अगर देखिए बच्चों ये एंगल है, ठीक है, एंगल ए और ये क्या है एंगल बी, इनके सामने वाले साइड्स क्या है, एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है बीसी, और एंगल बी के सामने वाली साइड क्या है एसी, अगर ये दोनों इक्वल है तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे, ये रूल होता है बच्चों एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर साइड दोनों भुजाएं क्या है बराबर है देन उनके कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे बच्चों, यही हमने यहाँ पे लिखा है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे इक्वल होंगे, देख सकते हैं एसी और बीसी क्या है इक्वल है, देन इसके सामने वाला ये साइड और इसके सामने वाला ये साइड अगर इक्वल है तो एंगल बी क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे, यही चीज हमको प्रूव करना था, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा बच्चों, थैंक यू वेरी मच।